गाइस यहां पे कप्तानी छोड़ने का काफी तेजी से इस समय चलन चल रहा है, क्योंकि लगातार विराट कोहली कप्तानी छोड़ते जा रहे हैं। और यहां पे एक काफी बड़ी खबर ये निकल के आती है कि क्या है, एमएस धोनी भी कप्तानी छोड़ने वाले हैं? क्या ये कप्तानी किसी और को मिलने वाला है? इसी पे बात होने वाली, इसी पे डिटेल चर्चा करने वाला हूँ कि क्या सचमुच आईपीएल 2022 के कप्तान अब एमएस धोनी नहीं रहने वाले हैं। सो गाइस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एमएस धोनी की। हाँ, सबसे पहले एमएस धोनी की हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो न्यूज है वो काफी तेजी से हवाला कर रहे हैं कि एमएस धोनी आईपीएल 2022 में चेन्नई की कप्तानी नहीं करने वाले हैं, इनके जगह पे जडेजा कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। ये न्यूज इस समय काफी आग की तरह काफी तेजी से फैलता हुआ नजर जा रहा है। और यहाँ पे इस चीज की फैलने की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये हुई इस पोस्ट पे। आप ये पोस्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जडेजा और धोनी खुद यहाँ पे गले मिलते हुए किसी मैच के दौरान की ये फोटो है। और वहां पे अगर बात किया जाए तो ये चेन्नई के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पे ये चलती हुई नजर आ रही है। और इससे काफी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि चेन्नई कप्तानी में अब चेंज करने वाली है और अब जो कप्तानी करने वाले हैं वो जडेजा करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके मैं फायदे भी बताने वाला हूँ और क्या नुकसान होने वाले हैं वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या सचमुच एमएस धोनी कप्तानी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से एमएस धोनी को जानते हैं, मैं भी अच्छी तरीके से एमएस धोनी को जानता हूँ कि ये बंदा, ये खिलाड़ी कोई भी चीज अपना खुले आम नहीं करता। ये जो भी चीज करते हैं वो साइलेंस के साथ करते हैं। टेस्ट की कप्तानी छोड़े किसी को नहीं पता चला, वनडे की कप्तानी छोड़े किसी को पता नहीं चला, इंटरनेशनल या फिर T20 चीफ की कप्तानी छोड़े किसी को कानों कान खबर नहीं चली। और ये कप्तानी साथ में रिटायरमेंट सब चीज ले लिए, आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला। और ये न्यूज देख के सभी लोग हवाला अपना निकाल रहे हैं कि एमएस धोनी कप्तानी छोड़ने वाले हैं। इस पे काफी तेजी से झंडोरा पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये क्लेम बिल्कुल सरासर गलत रहने वाला है, क्योंकि धोनी जो भी फैसला करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो चेन्नई के हित को देखते हुए और वो साइलेंस के साथ रहने वाला है। इतना कोई भी ज्यादा न्यूज यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं होने वाला है, क्योंकि आप भी एमएस धोनी के अगर फैन होंगे तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एमएस धोनी कोई काम कैसे करते हैं। सब चीज गणित लगाने के बाद ये चीज अच्छी तरीके से पता चला है कि अभी तक जितनी खबरें फैल रही हैं वो बिल्कुल फेक है। ये अभी तक कोई भी यहाँ पे मुहर लगते हुए या फिर कंफर्मेशन मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है कि धोनी ही कप्तानी छोड़ने वाले हैं या फिर जडेजा कप्तानी करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज यहाँ पे अभी तक के लिए सब चीज यहाँ पे फेक लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बार थोड़े से हम लोग विश्वास के साथ देखते हैं कि अगर एमएस धोनी कप्तानी छोड़ते हैं तो क्या जडेजा कप्तानी करते हैं तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे चीज हम लोग जाने वाले हैं इस समय जाने वाले हैं पास्ट में। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि एमएस धोनी जब कप्तानी करते हैं तो चेन्नई को अच्छी तरीके से चलाते हैं। 2008 से लेकर 2021 तक लगातार चेन्नई की कप्तानी करे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर को देखते हुए चेंज करते हैं, क्योंकि आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि एमएस धोनी भले ही रिटेन हुए 12 करोड़ में, लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि एमएस धोनी लगातार 3 साल तक खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसा हो सकता है 1-2 साल ही यहाँ पे मैक्सिमम धोनी खेले। और इन सभी चीजों को देखते हुए फ्यूचर प्लान के तहत एमएस धोनी सोच सकते हैं कि मैं कप्तानी की जगह पे यहाँ पे जडेजा कप्तानी करवाता हूँ, इन्हें अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ कि आखिर चेन्नई को चलाना कैसे, सभी टीम को चलना कैसे, ये चीज यहाँ पे धोनी सोचते हुए नजर आ सकते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पे आप सभी क्रिकेट, फुटबॉल और 160 से ज्यादा गेम्स खेल के करोड़ों रुपए जीतते हुए नजर आ सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पे ऑपरेट होता है और यहां पे आपको 24/7 विड्रॉल मिल जाता है। और यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो नीचे दिए गए कमेंट में पिन हुए कमेंट में लिंक से आप यहां पे इनके टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर करिए। दूसरे चीज की बात करें तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि पास्ट में आपने देखा होगा कि जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आई थी तो 2016 में धोनी ने कप्तानी करी थी, लेकिन 2017 में सब चीज बदला था और यहाँ पे कुछ कहा सुनी की वजह से श्रीनिवासन या फिर कोई भी थे उन्होंने धोनी को कप्तानी से हटा दिया था। और उस समय की बात करें तो वहां पे स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन धोनी के ही दिमाग से पुणे सुपर जायंट्स उस समय फाइनल्स तक पहुंची थी। और यहाँ पे सब चीज यहाँ पे धोनी करते हुए नजर आ रहे, सेम चीज यही हो सकता है। सोच सकते हैं धोनी कि जडेजा को मैं पीछे से गाइड करूंगा, सब चीज बताते चलूंगा कि आखिर कैसे सब चीज होने वाला है, क्योंकि धोनी कप्तानी करे या ना करे सब चीज यहां पे वो हवा ही रहने वाला है। क्योंकि एक तरीके से अगर हम लोग सभी चीज को परखेंगे तो वो धोनी के ही अंडर में होने वाला है, धोनी कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो अगला फायदा होने वाला है, ये होने वाला है कि धोनी के प्लान के तहत जडेजा यहाँ पे काम करते हुए नजर आ सकते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि टीम को कैसे चलाना है,
खराब टीम या फिर कमजोर टीम को भी लेके चैंपियन कैसे बनाना है, ये सब चीज धोनी अच्छी तरीके से जानते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे जडेजा को 2 साल या 3 साल मैक्सिमम यहाँ पे देते हुए नजर आ सकते हैं कि आप ये सब चीज कैसे सीख सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कौन से मौके पे क्या करना चाहिए, ये सब यहाँ पे जडेजा को लेसन के तौर पे, सीख के तौर पे देते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पे जो अगली चीज यहाँ पे लगती हुई नजर आ रही है वो आ रहा है कि जो कि धोनी ने खुद बोला था कि मैं 10 साल का प्लान बना रहा हूँ। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेगा ऑक्शन से पहले जब चेन्नई ने चैंपियन बनी थी तो वहां पे धोनी ने खुद कहा था कि मैं यहाँ पे अगले 10 साल की अब टीम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। और ऐसे में अगर जडेजा 10 साल खेलते हैं क्रिकेट में तो ये चेन्नई की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, अगले 10 साल की टीम बन सकती है, अगले 10 साल के कप्तान बन सकते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए फ्यूचर प्लानिंग के तहत यहाँ पे धोनी कप्तानी छोड़ते हुए या फिर जडेजा करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इतनी चीज तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन एट द एंड में आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी न्यूज ऐसी निकल के नहीं आ रही है कि धोनी कप्तानी छोड़ने वाले हैं। तो ये सब चीज को आप साइडलाइन करिए, आप आईपीएल के मेगा ऑप्शन पे फोकस करिए, आईपीएल 2022 पे फोकस करिए। धोनी कप्तानी करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, वो सब चीज का न्यूज मैं देने के लिए हूँ। लेकिन अभी तक की बात करें तो ऐसी कोई भी न्यूज सर्कुलेट नहीं हो रही है, कहां कहीं भी न्यूज सुन रहे हैं सीधा फेक है, नजरअंदाज कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए वीडियो एंड करते हैं। आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।